चुनाव परिणाम किसी के लिए खुशियां, किसी के लिए गम तो किसी के लिए सबक दे जाते हैं। पहली बार राजस्थान विधानसभा के चुनाव में अपने दम पर लड़ी प्रदेश की सरकार में गठबंधन पार्टी जननायक जनता पार्टी के हाथ भी घोर निराशा लगी है। पार्टी को अथक मेहनत के बावजूद बताने लायक भी वोट प्रतिशत नहीं मिला। फिर भी पार्टी की ओर से सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने उम्मीदवारों और प्रदेश की जनता का आभार जताया है। दुष्यंत चौटाला अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना में एक कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। हमारे भी जो उम्मीदवार राजस्थान में थे, मैं सबको धन्यवाद करूँगा। सबने चुनाव लगभग सीटों के हमारे उम्मीदवारों ने पहली बार पार्टी के सिंबल को जनता का धन्यवाद करता हूँ। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की है। इसके लिए मैं तीनों राज्यों के मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। गौरतलब है कि जेजेपी ने राजस्थान में पहली बार एंट्री करके 19 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ा। पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। वोट प्रतिशत 1% से भी कम रहा। चलिए, चुनावी कसरत मुकाबला और हार जीत आगे भी जारी रहेगी। हर किसी का काम तो कर्म करना है। पानीपत ब्यूरो से श्रीनिवास की रिपोर्ट।